अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 27 अप्रैल 2021 का दिन है और मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि क्या एक नया समाज मुमकिन है। एक नए समाज की तश्कील के हवाला से कैसे मुमकिन है कि आज का इंसान इस बात पे आ जाए कि उसकी ये खुशफहमी कि उसने मादी हवालों से जो तरक्की की है, उस माती तरक्की के नतीजा में जो उसको ख्वाब दिखाए गए, इंसान ने अपनी तरक्की का जो रास्ता चुना वो यकीनन उसके माती पहलुओं के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि बहुत तरक्की के मराहल तय किए। इंसान इस वक्त खुशफहमी और गलतफहमी के दरमियान में है। माती हवाले से जब सोचता है तो लगता है कि इंसान ने तारों पे कमांड डाल दी है, स्पेस तक चला गया है, जमीन के नीचे तक चला गया है। इंसान की आने वाली लंबे अरसे तक की जिंदगी के बारे में मशीन कोई करने के काबिल हो गया है। बेशुमार यूनिवर्सिटीज डिग्रियां दे रही हैं, जो एक पीएचडी लेवल की बेशुमार एक साइंसदानों की लेबॉरटरियाँ ऐसे ऐसे इजादात कर रही हैं। ये सब चीज़ों को अगर हम देखें तो हमें लगता है ऐसा ही है कि इंसान तरक्की कर रहा है और एक ऐसे समाज की तरफ गामजन है जो तरक्की याफ्ता होगा। बाज़ अकवाम जो यूरोपियन अकवाम हैं, जो अमेरिका है, जो इस वक्त अहद हाजिर में जो अपने आप को तरक्की याफ्ता मुआशरों की लिस्ट में सरफहरिस्त रखते हैं, मैं इन सब के बारे में मेरी ये राय है कि इंसान ने समाजी तरक्की के सफ़र में कुछ खो दिया है। वो क्या खो दिया है? वो उसने अपनी रूहानियत खो दी है, इंसानियत पसंदी खो दी है, अपनी स्पिरिचुअल जो उसकी ताकत थी वो खो दी है। अब ये बहस है कि जो शख्स इस दौर में ये बात करे उसको लाजमी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और खुसूसी तौर पर हमारे लेफ्ट के वो दोस्त जो ये समझते हैं कि इंसान की मादी तरक्की ही हर तरक्की की बुनियाद है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान ने जितने दावे किए और उसके मॉडल पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उन सब को देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि इंसान ने जिस सफ़र का आगाज़ किया था और आज जिस मकाम पे है उस हवाले से वो वाकई तरक्की याफ्ता है? मेरे ख्याल में आज का इंसान ब्यूरोक्रेसी की मशीन में एक दाना बन चुका है। हमारे ख्यालात, हमारे एहसासात और जायका जो है ये हुकूमत वक्त और मल्टी मीडिया का मरहूने मिन्नत होकर रह गया है। हमारे बच्चे खाने का फैसला भी वो कमर्शियल एड देख के करते हैं। हम अपने ख्यालात जो बनाते हैं वो भी सो कॉल्ड मीडिया में बताई गई बातों की बुनियाद पे बनाते हैं। हमारे असातिज़ा की दो कैटेगरीज है, एक वो है जो तख्लीकी अमल से गुजरते हैं और अपने बच्चों को ऐसा लेक्चर देते हैं कि बच्चे भी क्रिएटिव माइंड होकर कुछ चीज़ें तख्लीक करते हैं, इनकी तादाद बहुत कम है। हमारी तालीमी निज़ाम के अंदर जो एक पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसके नतीजे में हमने बच्चों को मियां मिठू चूरी कहने वाले तोते तैयार करते हैं, जो रट्टा लगाकर जो मालूमात जो मवाद लेकर जो टीचर्स बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं वही बच्चे पेपर पे लिखकर या जिस भी तरीके से उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं। इस सारे अमल में तख्लीकी अमल गायब हो गया है, तमीरे ज़ात के हवाले से कुछ नहीं है। जो तालीमी अदारों में पढ़ाया जाता है उसके दरमियान और एक ज़ात तालबिल्म के दरमियान एक गैप है, तभी तो बच्चे तालीम हासिल करके अच्छे ग्रेड लेके सोसाइटी में ख्वार होते फिरते हैं। उन्हें, मैं ये नहीं कह रहा जॉब नहीं मिल रही, मैं ये समझता हूँ वो ज़हनी तौर पर भी मफलूज हैं। एक बहुत बड़ी तालबिल्मों की एक तादाद जो है वो डिग्री याफ्ता है और हमारी यूनिवर्सिटियाँ तालीमी अदारे बच्चों को वो इल्म वो
एक महारत नहीं दे पा रहे जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ये जान सकें कि खुद उनकी ज़ात और उनके इर्द गिर्द के माहौल के दरमियान ताल्लुक क्या है। मैं अपनी बात को बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव भी करना चाहता हूँ, लेकिन मुख्तसर उसका जो क्रक्स है वो ये है कि जो शख्स इल्म हासिल करके, डिग्री हासिल करके इस काबिल भी नहीं होता कि वो अपनी ज़ात और अपने इर्द गिर्द माहौल के दरमियान जो फ़र्क है उसको समझ सके और अपना समाजी, सियासी और मुआशी मकाम को डिटरमिन कर सके, जो इतनी सलाहियत भी नहीं रखता, उसने अपने वक्त और पैसे का ज़िया किया है। हम 4 साल BS प्रोग्राम कर रहे हैं, 4 साल पूरे होने, 4 साल की पूरे होने के बाद भी हमें ये नहीं पता। तो इन सब बातों के ऊपर मैं तफसीलात अपनी लिखूंगा, पढ़ूंगा, करूंगा आपके साथ बातें। मैं ये चाहूंगा कि मेरा चैनल जो CNN है उसको सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा यह सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे चाहते हैं कि उनको आगे कुछ बताया जाए कि वो किस तरह अपना सियासी, समाजी और मुआशी मकाम पैदा कर सकते हैं, वो एक महारत है। उसको मैं कहता हूँ समाज फहमी का इल्म। तो समाज फहमी के इल्म को हासिल करने के लिए मेरे साथ रबते में रहिए। टेलीफोन नंबर 03246772787। हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हम जो बच्चे, जो लोग इस चीज़ के मज़ीद जो एक चाहेंगे कि उनके साथ बात की जाए, वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इसके साथ ही मैं ज़्यादा चाहूँगा प्रोफेसर जलील भट्ट, थैंक यू।